और मित्रों, मैं जब अपने समाचारों को ढूंढ रहा था तो उस वक्त मुझे एक तस्वीर मिली, और ज़्यादातर ये जो तस्वीर है ये कई जो समाचार संस्थान हैं और कई जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं उनमें ऐड के रूप में यानी विज्ञापन के रूप में ये तस्वीर दी गई है। और यहाँ पर देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, मीट सिंगल वुमेन फ्रॉम दिल्ली, और यहाँ पर एक फ़ोटो बनी हुई है। और इस फोटो में अगर आप देखें तो क्या दिखाया गया है, आप देखिए इस फोटो में दिखाया गया है कि एक व्यक्ति है जिसकी दाढ़ी है, दाढ़ी नीचे तक जा रही है उसकी, और यहाँ पर जो है उसके मूंछ नहीं है। यानी कि किसको ये दिखाया गया है, क्या ये जो अगर देखा जाए तो सीधे सीधे ये जो एप्लीकेशन है, ये जो विज्ञापन है, सीधे सीधे लव जिहाद को प्रमोट कर रहा है। और जब मैंने इस पर क्लिक किया यहाँ पे तो देखा कि यहाँ पे मीट वुमेन फ्रॉम दिल्ली ऑनलाइन डेटिंग, यानी कि ये ऑनलाइन डेटिंग का कोई एप्लीकेशन है। और जब मैंने क्लिक किया वहाँ पर तो उसमें एक लिख के आया बम्बल ऐप। तो ये बहुत सारे इस समय जो है बम्बल ऐप, ऐसे बहुत सारे डेटिंग ऐप्स चल रहे हैं जिसमें कि गलत हरकतें हो रही हैं। और मैं आपको बताऊं मित्रों कि जो श्रद्धा वाला कांड हुआ था जिसमें कि आफ्ताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए थे, तो वो जो श्रद्धा थी वो बम्बल ऐप के जरिए ही जो है संपर्क में आई थी आफ्ताब के। तो अब सवाल मित्रों ये उठता है कि आखिर जब ये सब जानने के समझने के बावजूद भी कि इस तरह की दुर्दशा जो है हिंदू लड़कियों की हो रही है, तो आखिर क्या वजह है कि कोई विज्ञापन कंपनी या कोई जो डेटिंग ऐप है वो इस तरह का लव जिहाद को प्रमोट करने वाला जो फोटो है वो आखिर क्यों डाल रहा है विज्ञापन के रूप में। मित्रों इसको आप ध्यान दीजिए, अपने घर में अपने लोगों के, अपने खासकर जो लड़कियाँ हैं लड़के हैं सभी के मोबाइल्स पर चेक कीजिए कि क्या इस तरह के डेटिंग ऐप्स तो कहीं अपलोड नहीं है, क्या वो कहीं किसी गलत हरकत में तो शामिल नहीं है। इसका सभी को जरूर ध्यान रखना है मित्रों। तो अब हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं। तो मित्रों आज हम कई महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे मित्रों। हम तीन मुस्लिम देशों की बात करेंगे, और तीनों जो इस्लामिक देश है तीनों में जो है गदर सा, खूनी गदर सा मचा हुआ है। और पहला देश तो एक ऐसा है जहां पर कि विदेश मंत्री जो वहां की है भाई साहब वो भाग गए वहां से छोड़ छाड़ के। आप सोचिए कि कितना अराजकता फैली हुई है कि जो विदेश मंत्री है, महिला विदेश मंत्री है, वो जो है देश छोड़ के भाग गई। एक और जो है अफ्रीका के दो इस्लामिक देश हैं, एक इस्लामिक देश ऐसा है जहां पर कि ताबड़तोड़ फायरिंग करके जो है 40 लोगों को मार दिया गया, और एक ऐसा देश है जहां पर कि तख्ता पलट हुआ और राष्ट्रपति को ही बंधक बना लिया गया है। और इसके अलावा मित्रों कई और भी महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे कि हम बात करेंगे कि भारत के साथ जो है जेट विमान इंजन को बनाने को लेकर के अमेरिकी संसद ने मंजूरी दे दी है। बहुत ही अच्छी खबर है हमारे लिए, बहुत ही देश के लिए बहुत ही शानदार खबर है। और जो आदित्य है, जो L1 जो आदित्य मिशन जा रहा है वो 1440 तस्वीरें रोज पृथ्वी पर भेजेगा। थोड़ा सा संक्षिप्त इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन मित्रों हम अपनी जो इसके अलावा मित्रों एक और वीडियो आया है पाकिस्तान से। इस पाकिस्तान से आए इस वीडियो में आरजू काजमी और एक और विश्लेषक हैं, वो दोनों मिलकर इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो जानवरों से एक तरह से गलत काम, यानी कि क्या कहें आपसे, गलत काम करने का चलन चल रहा है और उसको एक तरह से मान्यताओं का रूप दिया जा रहा है। और वहाँ पर अगर देखा जाए तो जानवरों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। तो बकरी के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं उसको लेकर के चर्चा चल रही है। क्या बोल रही हैं ये लोग रिपोर्टर जो हैं वहाँ के, जो पत्रकार हैं वो क्या कह रही हैं और विश्लेषक क्या कह रहे हैं, ये भी आपको आगे हम दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत अपनी हम करेंगे मित्रों लीबिया के समाचार से, जहां पर कि विदेश मंत्री ही जो है वो छोड़ छाड़ कर भाग गई। क्यों भाग गई, क्या पूरा मामला है, इसके बारे में हम मित्रों बात करेंगे। तो मित्रों सोचिए दरअसल ये मामला है क्या। दरअसल मित्रों लीबिया की जो फॉरेन मिनिस्टर थी, लीबिया एक मुस्लिम देश है जो कि इसराइल को मान्यता नहीं देता है, और इसराइल के विदेश मंत्री के साथ लीबिया की जो महिला विदेश मंत्री हैं उन्होंने एक मुलाकात कर ली थी। और इसके बाद जो है लीबिया में इतना बड़ा हंगामा हुआ कि वहाँ पे पूरा एक गदर मचा हुआ है। अभी वहाँ पे विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, वहाँ प्रधानमंत्री आवास में वहाँ आग लगा दी गई। तो पूरा मामला क्या है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, जरा इसको एक बार समझ लेते हैं मित्रों। तो लीबिया की फॉरेन मिनिस्टर नजला मैंगोश ने रविवार रात को देश छोड़ दिया है। नाजला ने शनिवार को माना था कि पिछले हफ्ते रोम में उन्होंने इसराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन के से सीक्रेट मुलाकात की थी। इसके बाद देश में नाजला के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन और हिंसा शुरू हो गई थी। और सोमवार को प्रधानमंत्री अब्दुल हामिद ने, यानी जो लीबिया के प्रधानमंत्री अब्दुल हामिद, उन्होंने नाजला को पद से हटा दिया था और उनके खिलाफ जाँच के आदेश दिए थे। लीबिया अरब वर्ल्ड का हिस्सा है और फिलिस्तीन का साथ देता है, लीबियाई इसराइल को अपना दुश्मन मानते हैं। तो पिछले हफ्ते हुआ यह था कि रोम में फॉरेन मिनिस्टर्स की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसमें लीबिया की फॉरेन मिनिस्टर नाजला मैंगोश ने और इसराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन भी शामिल हुए थे। इटालियन मीडिया में यह खबर लीक हो गई थी कि कोहेन और नाजला ने आपसी सहयोग के रास्ते तलाशने की शुरुआत कर दी है। खबर लीक होने के बाद इसराइल सरकार के सूत्रों ने इस बात की पुष्टि कर दी कि दोनों विदेश मंत्रियों की रोम में मुलाकात हुई है। इसके बाद लीबिया में बवाल शुरू हो गया, वहां दो दिनों से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। राजधानी त्रिपोली
में आगजनी की घटनाएं हुई हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री अब्दुल हामिद ने फॉरेन मिनिस्टर को सस्पेंड कर दिया और उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर भी जारी कर दिए। दूसरी तरफ इसराइल की तरफ से बयान जारी किया गया और कहा गया कि दोनों विदेश मंत्रियों की मुलाकात इटली सरकार ने कराई थी और दोनों देशों की टॉप लीडरशिप इसके बारे में जानती थी, इसके लिए पहले से तैयारियां की जा रही थी। तो अब लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए गल्फ रीजन के बड़े अखबार अरब वर्ल्ड के मुताबिक लीबियाई सरकार का यह मामला संभालने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही गठबंधन सरकार में भी बगावत नजर आने लगी है। यही वजह है कि न सिर्फ प्रधानमंत्री के फॉरेन मिनिस्टर को सस्पेंड कर दिया बल्कि उनके खिलाफ जांच के आदेश भी दिए और फॉरेन मिनिस्टर ने इस मामले में जवाब देने को भी कहा गया है। हालांकि जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसमें कहा जा रहा है कि नाजला रविवार रात को एक प्राइवेट जेट में मुल्क छोड़कर चली गई। यानी कि आप सोचिए मित्रों कि एक जो है विदेश महिला विदेश मंत्री ने सीक्रेट मुलाकात कर ली अगर इसराइल के विदेश मंत्री से, तो उस पर इतना बवाल मचा हुआ है। आप सोचिए किस तरह की मानसिकता है लीबिया के लोगों की। एक कट्टरपंथी जो इस्लामी विचारधारा होती है वो किस तरह से लोगों को अंधा कर देती है, इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण ये आपको इसमें मिलता है। तो अब जरा मित्रों हम बात करेंगे कि आखिर क्या चल रहा है इस वक्त जो है कांगो के अंदर। मित्रों तो कांगो से एक बहुत ही दुखदायी खबर आ रही है। अक्सर जो है हम लोग ध्यान नहीं देते कि अफ्रीका में क्या चल रहा है, पर अफ्रीका में जो इस्लामिक मुल्क हैं वहाँ पर भी हालात जो है काफ़ी ज़्यादा बुरे चल रहे हैं। तो कांगो के अंदर यह है कि पूर्वी कांगो में संयुक्त राष्ट्र के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर फायरिंग कर दी गई, 40 से ज़्यादा मौतें हुई हैं मित्रों। तो क्या पूरा मामला है जरा इसको भी एक बार देख लेते हैं। अफ्रीकी देश कांगो में संयुक्त राष्ट्र के विरोध में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों के ऊपर सुरक्षा बलों ने फायरिंग कर दी और इसमें 40 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। ये कार्रवाई कांगो की सेना ने की है। सेना ने शुरू में 7 मौतों की जानकारी दी थी। सरकार ने बुधवार को पूर्वी कांगो के शहर गोमा में संयुक्त राष्ट्र विरोधी हिंसक प्रदर्शनों पर कार्रवाई की थी जिसमें 56 अन्य लोग घायल हो गए थे। तो ये जो दरअसल क्या है कि पुलिसकर्मी पर हमले का एक वीडियो पहले वायरल हुआ था वहाँ पे और इसके बाद जो कांगो की सेना थी उसने गोमा शहर में एक विरोध प्रदर्शन किया था लेकिन वहाँ पे जनता को मारा गया वहाँ पे। और इसके बाद आप देखिए कि प्रदर्शन कर रहे लोगों को जब इस तरह से फायरिंग की गई तो 40 लोग उसमें मारे गए। हाल ही कहा यह जा रहा है कि और लोगों की मौत हुई है पर संख्या को कम करके बताया जा रहा है। तो ये अपने आप में समझता हूँ मित्रों की एक बहुत ही दुखद समाचार है जो कि एक कांगो से आया है। और एक और अफ्रीका देश है इस्लामिक मुल्क है वहाँ पर तख्ता पलट हो गया है और इसके बाद वहाँ पर राष्ट्रपति को बंधक बना लिया गया। यानी कि जब आप देखें चाहे पाकिस्तान हो चाहे वो अफ्रीका देश गैबॉन हो, हर जगह पे जहाँ भी इस्लामिक सत्ता है वहाँ पर जो सत्ताधीश होता है सत्ता में जो बैठा होता है वो जैसे ही सत्ता से उतरता है वैसे ही उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या दिखाता है ये अपनी बड़ी बात है। तो पश्चिमी मध्य अफ्रीका देश के गैबॉन में भी तख्ता पलट हो गया है। यहाँ पर सैन्य अधिकारियों ने बुधवार को घोषणा की है कि उन्होंने राष्ट्रपति अली बोंगो ओडिम्बा से सत्ता छीन ली है। राष्ट्रीय टेलीविजन पर सेना की वर्दी में कई लोग नजर आए और उन्होंने ऐलान किया कि राष्ट्रपति को नजरबंद कर दिया गया है। सैन्य कार्रवाई के बाद राजधानी लिब्रेविले में सड़कों पर जश्न मना रहे थे, गोलीबारी की खबरें में आ रही थी। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस कार्रवाई की निंदा की है। इसके पहले अफ्रीकी देश नाइजर में भी इस तरह का तख्ता पलट देखने को मिला था। यानी कि आप देखिए कि जहां पर भी कहीं हिंदू संस्कृति नहीं है, जहाँ पर कहीं भारत की सनातन संस्कृति नहीं है वहां पर गदर मचा हुआ है, वहां पर खून बह रहा है, वहां पर जो है कोई शांति की स्थिति नहीं है। तो ये अपने में बहुत ही एक सोचने वाली समझने वाली बात है कि क्या चल रहा है। और मैं तो एक बहुत ही गर्व करने वाली खबर है कि जब देश में एक राष्ट्रभक्त सरकार होती है तो वो देश की टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं करती। आप देखिए मित्रों कि एक ज़माने में हमारे पास जो है लड़ाकू विमान हम कैसे कैसे बना पा रहे हैं, आज कितनी मुश्किल से हमने तेजस बनाया आप जानते हैं। लेकिन देखिए अब जो है भारत के साथ जेट इंजन निर्माण को लेकर अमेरिका की संसद ने मंजूरी दे दी है। ये अपने में बहुत ही तो अमेरिकी संसद ने जीई एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी HAL की साझेदारी के तहत भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लिए इंजन निर्माण को हरी झंडी दे दी है। जीई और HAL के बीच इस आशय का समझौता जून में प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान हुआ था। यह समझौता भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती रक्षा साझेदारी का प्रतीक माना जाता है। इसमें हल्के लड़ाकू विमान MK2 के लिए FAF-414 जेट इंजन का स्थानीय उत्पादन शामिल होगा और 80% प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण होगा। यानी कि 80% जो टेक्नोलॉजी है वो इसमें भारत को दी जाएगी। ये अपने आप में तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि जेट इंजन बनाना सबसे बड़ी बात होती है, सबसे जेट इंजन की टेक्नोलॉजी सबसे टफ टेक्नोलॉजी होती है। और अगर जेट इंजन बनाने के लिए अगर भारत को 80% की अगर टेक्नोलॉजी की मदद मिल रही है और उसको जानकारी मिल रही है ट्रांसफर हो रहा है टेक्नोलॉजी का, तो ये अपने आप में बहुत ही खुश कर देने वाला मित्रों समाचार है। और मित्रों इसके अलावा एक और समाचार जिसके बारे में मैं आपका जिक्र करना चाहूँगा, तो आदित्य यान जो है वो रोज़ जो है 1440 तस्वीरें धरती पर भेजेगा और
इसके बारे में अगर देखा जाए तो ये लॉन्च हो चुका है और ये सूर्य वायुमंडल के तापमान से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखेगा। बेसिकली मित्रों, जो सूर्य है वो तो लाखों किलोमीटर दूर यहाँ से है, और जो सूर्य के वायुमंडल का जो सबसे सूर्य का जो सबसे आखिरी जो ओरा है, जो सबसे आखिरी परत है, उस परत की जांच करेगा। यानी कि जो सूर्य यान जा रहा है, ये सूर्य यान जो है ये जलेगा नहीं, क्योंकि ये सूरज के बहुत पास नहीं जा रहा। ये सूरज का जो सबसे ऊपरी परत है, जो उसके एक तरह से वायुमंडल की, उस ऊपरी परत की जांच करेगा वो। तो ये मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी समझ बड़ा मामला है। और देखिए, इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने फिर से पूजा की, कहाँ पे? सूर्य मिशन की लॉन्चिंग से पहले इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने आंध्र प्रदेश के सुलुपेत्ता स्थित श्री चेलंगम्मा परमेश्वरी मंदिर में शुक्रवार को पूजा अर्चना करते हुए मिशन की सफलता की कामना की। इसरो प्रमुख सुबह 7:30 बजे मंदिर पहुंचे थे। मंदिर में लगी चेंगलम्मा देवी की मूर्ति को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। मंदिर के प्रशासनिक अधिकारी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि इसरो के मिशन या उपग्रह की लॉन्चिंग से पहले वैज्ञानिक यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं। यानी जो जी वैज्ञानिक है लेकिन पूजा करने आते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। यानी कि विज्ञान, आप जरूरी नहीं कि अगर आपकी जो है आस्था में, अगर आपकी आस्था भगवान में है तो आप वैज्ञानिक नहीं हो सकते। ये जो पूरा मिथक था इसको तोड़ा है। और मित्रों, अक्सर देखते हैं कि मित्रों पाकिस्तान से और भारत और कई हिस्सों से भारत में भी खबरें आती हैं कि जो पशु हैं उनके साथ दुष्कर्म होता है। तो पाकिस्तान के अंदर एक चर्चा चल रही है, और ये चर्चा जो है वहाँ पाकिस्तान की एक मशहूर जो पत्रकार हैं वो कर रही हैं। तो क्या कह रही हैं, और वहाँ के जो विश्लेषक हैं वो इस जो दुष्कर्म होते हैं वहाँ पे इंसानों द्वारा जानवरों के साथ में, उसको लेकर के वो क्या अपनी टिप्पणियाँ कर रहे हैं मित्रों? ये बहुत ही क्यों ऐसा होता है, आखिर ये कैसी गलत बातें हैं जो कि लोगों के समाज में आ जाती हैं, इसको लेकर के जो है एक बहुत ही प्रमुख बात है जो कि आप जरा यहाँ सुनिए। इनका नाम है आरजू काजमी। तो कहते हैं पहले दिन जब मैं उठा तो आवाजें आई, कोई बकरी जो है बहुत शोर मचा रही है। तो कहते हैं मैं जब नीचे आया तो ये लगे हुए थे लड़के उसके साथ। तो कहते हैं मैंने उन्हें गालियां दी, फिर उनको कान पकड़वा के वो छत्तर मारे, जूतियां मारे। तो उन्होंने जूतियां तो खा लेंगे, क्योंकि ये अफसर था। बाद में उसने कहा कि सर आप अजीब आदमी है, यहाँ पे तो कोई मर्द ही माना जाता अगर उसने ये ना किया हो। तो जरा आप शहरों से बाहर निकले, ये किसी को नहीं छोड़ते। कुछ लोग तो कहते हैं ये मुर्गियों को भी पड़ जाते हैं। अल्लाह रहम, अल्लाह रहम, अल्लाह रहम। अगर तो पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा अभी आजकल आत्मचिंतन चल रहा है। वहाँ पे ऐसे कई मुसलमान सामने आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हिंदू हैं वो उनसे कैसे अच्छे हैं और कैसे हिंदू उनसे ज़्यादा ईमानदार हैं।